ओम नमः शिवाय। आज का प्रसंग यदि ठीक से समझ लिया तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप कभी भी गरीब नहीं रहोगे। महाभारत पुराण में एक कथा आती है कि एक बार माता लक्ष्मी बहुत सुंदर रूप धारण करके गायों के झुंड के पास पहुंची। एक सुंदर रूप वाली नव युवती को देखकर गायों ने पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और कहां से आई हो? तुम तो इस पृथ्वी की सबसे सुंदर स्त्री जान पड़ती हो। सच सच बताओ, तुम कौन हो और हमारे पास क्यों आई हो? गायों के इस प्रकार पूछने पर देवी लक्ष्मी ने अपना परिचय दिया और कहा कि हे गायों, सारा जगत मेरी कामना करता है। दुनिया में मैं लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हूँ। इस समय मैं दैत्यों को त्याग कर आ रही हूँ, क्योंकि वे आचार भ्रष्ट हो गए थे, हिंसा पर उतर आए थे, निर्दोष पशुओं को मार मार कर खाने लगे थे, वृद्धों का सम्मान करना भूल गए, बच्चों को उल्टे संस्कार देकर चरित्रहीन बना रहे थे, स्त्रियों को बेवजह परेशान करते थे, हर समय घरों में कलेश मचा रहता था, तामसिक भोजन खाकर सारे दिन सोते रहते थे, एक दूसरे को गालियां देना, मारना पीटना शुरू कर दिया था, बेधन का दुरुपयोग करने लगे थे, धन के बल पर निर्दोष प्राणियों पर जोर दिखाने लगे थे, वैश्याओं का संग करने लगे थे। उनके इस प्रकार घिनौने और निंदनीय चरित्र को देख देख कर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने उनका त्याग कर दिया। मेरे त्याग करते ही सारे राक्षस नाश को प्राप्त हो गए। देवता लोग मेरे आश्रय में रहने के कारण आनंद भोग रहे हैं। जिस दिन देवता लोगों ने मेरा दुरुपयोग किया और आचार भ्रष्ट हुए, उस दिन मैं उन्हें भी छोड़कर चली जाऊंगी। लोग कहते हैं कि मैं चंचल हूँ, एक स्थान पर ज्यादा दिन तक ठहरती नहीं हूँ। ये उनकी गलत बात है। मैं तो एक स्थान पर बहुत दिन तक ठहर सकती हूँ, पर मुझे अपने पास अधिक दिन तक रोकना उन्हीं के हाथ में होता है। यदि वे मेरा सही रूप से उपभोग करेंगे और धर्म का पालन करते हुए अपना जीवन यापन करेंगे, बेवजह के झगड़ों में नहीं पड़ेंगे, घर में प्रेम बनाकर रखेंगे और मेरा कुछ हिस्सा शुभ कर्मों में भी व्यय करते चलेंगे, निर्दोष बेजुबान पशुओं की हिंसा नहीं करेंगे, तो मैं उनके पास बहुत लंबे समय तक रहती हूँ। जिस दिन से वे अन्याय के कार्यों में पड़ जाते हैं, व्यसनों में पड़ जाते हैं, उस दिन से मैं उनसे दूर हो जाती हूँ। जिनके शरीर से मैं निकल जाती हूँ, वे नष्ट हो जाते हैं, और जिनके शरीर में मैं प्रवेश कर जाती हूँ, वे पुष्ट हो जाते हैं। धर्म, अर्थ और काम बिना मेरे सहयोग के सुख नहीं दे सकता। हे गायो, यही मेरा प्रभाव है। सारी दुनिया को चलाने के लिए मेरा योगदान बहुत बड़ा है। अब मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं तुम सबके शरीर में निवास करूँ। तुम लोग मेरा आश्रय पाकर भी शरीर संपन्न हो जाओ। लक्ष्मी देवी की बात सुनकर गायों ने कहा, हे देवी, आप कहीं और जाकर रहो, हमें तुम्हारी इच्छा नहीं है। तुम्हारा बहुतों के साथ एक साथ संबंध है। तुम पापियों के घर में भी रहती हो और धर्मात्माओं के भी, इसलिए तुम कहीं और जाकर रहो, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो। हमारा शरीर तो वैसे भी हष्ट पुष्ट और सुंदर है, हमें भला तुमसे क्या काम? तुमने हमसे जो इतनी बातचीत की, हम तो इसी से स्वयं को धन्य समझते हैं। दोस्त, गायों के मना करने पर लक्ष्मी ने फिर कहा, हे गायो, मैं वो सती हूँ जो लोगों को बड़ी मुश्किल से मिलती है। लोग मुझे पाने के लिए ललायत होते हैं। इस संसार में शायद कोई बिरला ही हो जो मुझे ना पाना चाहता हो। मुझे पाने के लिए तो लोग दिन रात परिश्रम करते हैं, युद्ध करते हैं, चोरी तक करते हैं, एक दूसरे से छीनने का प्रयास भी करते हैं। मुझे पाने के लिए लोग सगे भाइयों से, माता पिता से भी विरोध कर लेते हैं। मेरे लिए लोग घर परिवार को छोड़कर परदेश में पड़े रहते हैं, फिर भी मैं उनकी इच्छा के अनुरूप उन्हें नहीं मिल पाती। यहाँ तो मैं स्वयं चलकर आई हूँ और तुम हो कि मुझे ठुकरा रही हो। आज मुझे मालूम हुआ कि बिना बुलाए किसी के पास जाने से अनादर ही होता है। फिर भी मैं तुमसे आग्रह करती हूँ कि मुझे अपने पास रहने दो, मुझे अस्वीकार मत करो। देखो, इस चराचर त्रिलोकी में कोई भी मेरा अपमान नहीं करता है। मित्रों, लक्ष्मी की बात सुनकर गायों ने कहा, हे देवी, हम आपका अपमान या अनादर नहीं कर रहे, हम तो केवल आपका त्याग कर रहे हैं।
वो भी इसलिए कि तुम्हारा मन बड़ा चंचल है, तुम कहीं भी जाकर नहीं रहती। गायों ने कहा, यदि आने वाले समय में यदि तुम हमारा त्याग करके चली गई, तो इस दुनिया के लोग बड़े स्वार्थी और लालची हैं। वे हमें पाने की बजाय हमारा त्याग करने लगेंगे। फिर उस समय हम कहाँ जाएंगे? फिर तो हमारी दुर्गति हो जाएगी। लोग अपने घरों में भी नहीं रखेंगे और जंगलों में भी नहीं रहने देंगे। फिर वो कौन सा स्थान होगा जहाँ पर हम चैन की सांस ले पाएंगे? दुष्ट हत्यारे लोग हमें और हमारे बच्चों को पकड़ पकड़ कर काट काट कर खा जाएंगे। जो लोग हमारे पालन पोषण करने वाले होंगे, वो ही हमें पालने से कतराएंगे। लोग हमारी रक्षा का ढिंढोरा तो पीटेंगे, पर कोई अपने घर में रखकर हमारा पालन पोषण नहीं करेगा। उस समय हमारी दशा बद से बदतर हो जाएगी। इसलिए आप हमसे दूर रहो, हम जैसे तैसे अपना जीवन जी लेंगे। क्योंकि दुनिया के लोग हमारे अंदर जब तक आपके दर्शन करेंगे, तब तक ही वे हमारी कदर करेंगे। आपके जाने के बाद कोई हमें नहीं पूछेगा, फिर हम तुम्हें लेकर क्या करें? गायों के इस प्रकार मना करने पर लक्ष्मी ने कहा, हे गायो, तुम सदा दूसरों का आदर देने वाली रही हो। यदि तुम मुझे त्याग दोगी तो सारे जगत में मेरा अनादर होने लगेगा। इसलिए मेरा सम्मान रख लो। मैं स्वयं चलकर तुम्हारे पास आई हूँ। मुझमें कोई दोष नहीं है। मैं तुम लोगों की सेविका हूँ। ये जानकर मेरी रक्षा करो, मुझे अपनाओ। तुम हमेशा सबका कल्याण करने वाली हो। तुम पुण्यमयी पवित्र हो। मुझे बताओ, मैं तुम्हारे शरीर के किस भाग में निवास करूं? लक्ष्मी के बार बार निवेदन करने पर गायों ने उन्हें लौटाना उचित नहीं समझा और उन्होंने कहा, हे देवी लक्ष्मी, हम तुम्हें एक शर्त पर स्वीकार करते हैं। तुम हमारे अंदर जब तक चाहो रहो। यदि हमें कभी छोड़कर जाओ भी, तो हमारे गोबर और मूत्र में हमेशा बनी रहना, क्योंकि हमारी ये दोनों वस्तुएं परम पवित्र हैं। लक्ष्मी के बार बार निवेदन करने पर गायों ने उन्हें लौटाना उचित नहीं समझा और उन्होंने कहा, हे देवी लक्ष्मी, हम तुम्हें एक शर्त पर स्वीकार करते हैं। तुम हमारे अंदर जब तक चाहो रहो। यदि हमें कभी छोड़कर जाओ भी, तो हमारे गोबर और मूत्र में हमेशा बनी रहना, क्योंकि हमारी ये दोनों वस्तुएं परम पवित्र हैं। ये तो हम जानते ही हैं कि तुम्हारे जाने के बाद लोग हमारा त्याग कर देंगे, परंतु हमारे गोबर और मूत्र में यदि तुम बनी रहोगी तो लोग इनका उपभोग करके लाभ अर्जित कर लेंगे। लक्ष्मी ने कहा, धन्य भाग्य है हमारे जो तुम लोगों ने हमें अपने अंदर प्रवेश करने का अवसर दिया। तुमने मेरा मान रख लिया, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे गोबर और मूत्र में मेरा सदा वास रहेगा। मित्रों, आज भी गाय का गोबर पवित्र और धन प्रदान करने वाला होता है। जो लोग गौ पूजा करते हैं, गौ सेवा करते हैं, उनके घर सुख शांति हमेशा बनी रहती है। कभी धन की कमी नहीं होती। लेकिन हमेशा याद रखें, मन में आपके लालच कभी ना हो। दोस्तों, अगर आप वाकई में माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माता लक्ष्मी, जय गौ माता। गौ माता के लिए एक लाइक तो बनता है।